लोगों सुप्रे, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G की इंडियन रिटेल यूनिट की पहली अनबॉक्सिंग YouTube में। इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अगर हम बात करें वेरिएंट की, तो जो मेरे पास में वेरिएंट है वो है 12GB रैम और 256GB रोम वाला, एंड ये जो कलर है वो है सिल्वर ग्रे कलर। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स ओपन करते गाइस, यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं हमें कवर वगैरह दिखने को मिलता है, एंड कवर की क्वालिटी भी गाइस काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। कवर के अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सिम इजेक्टर पिन और पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद और अंदर जाए गाइस बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है जो कि है 80W का चार्जर। जी हाँ गाइस, आज की डेट में चार्जर मिलना बहुत अच्छी बात है, और वो भी 80W का चार्जर, तो इसके लिए अगेन प्लस पॉइंट ओप्पो को जाता है। एंड साथ ही यहाँ पे चार्जर के साथ आपको यहाँ पे केबल भी मिल जाती है। सो यही था गाइस बॉक्स के अंदर में। अब चलिए फोन में चलते हैं, फोन के बारे में बात करते हैं। बैक साइड में आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट टच आपको मिलता है। बैक का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा भी है गाइस, मतलब कुछ यूनिक डिजाइन आपको मिलता है जहाँ पे सारे फोन एक दूसरे को कॉपी करने में लगे। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा डिजाइन लगा इसका ओप्पो रेनो 10 सीरीज का। कैमरास की बात तो बैक साइड में आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। बात करें प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, एंड इसका जो बड़ा भाई है जो कि है ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस, उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर। बैटरी की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि ऑब्वियसली 80W के चार्जर से आपकी फुल चार्ज हो जाएगी अराउंड 30 से 40 मिनट के आसपास। बात करें गाइस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो बैक साइड में आपको सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलती है, साथ ही यहाँ पे ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलता है, नीचे में ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टॉप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है फॉर नॉइस कैंसिलेशन। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ की। बॉटम साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, उसके बाजू में यहाँ पे माइक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर के लिए एक ग्रिल दी गई है, एंड राइट साइड में आपको सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें कि आप अप टू 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी माइक्रो SD का स्लॉट नहीं मिलता। एंड ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी गाइस, यहाँ पे जो स्लिम स्लॉट है उसमें आपको गैस्केट की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि आपका जो पानी से स्प्लैशेस से आपका जो फोन है वो सेफ रहेगा। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे स्प्लैशेस से आपका जो फोन है वो प्रोटेक्ट रहेगा। बात करें गाइस फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलती है 6.74 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली OLED स्क्रीन जो कि आती है 450 पिक्सल पर इंच के साथ में। मतलब इसका ये रहेगा कि काफी ज्यादा शार्प स्क्रीन है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच होल आपको देखने को मिलता है, एंड 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ये आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको थोड़ी सी कर्व भी देखने को मिलती है। बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो 1400 निट्स की इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है, 440 पिक्सल पर इंच ये डिस्प्ले है। एंड साथ ही इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी आपको अंडर डिस्प्ले वाला देखने को मिलता है। बात करें गाइस प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर जो की एक मिड रेंज प्रोसेसर है, बट मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने इस प्रोसेसर में गेमिंग भी करी है तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। सॉफ्टवेयर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर OS 13.1 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 13 के ऊपर में। एंड साथ ही यहाँ पे आपको जो रैम देखने को मिलती है, रैम भी आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, अप टू 12GB आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें, तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा जिसकी क्वालिटी ऑब्वियसली जो सेल्फी लवर है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होने वाली है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को इस फोन के कैमरा सैंपल्स दिखाने वाला हूँ, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी वो कैसी आपको देखने को मिलती है। अब राइट ऑफ द बैट गाइस मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो वाइड एंगल वाला कैमरा है वो इतने ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। काफी ज्यादा आप यहाँ पे कलर शिफ्ट देख सकते हैं, जब मैं 1x से वाइड एंगल पे जाता हूँ तो काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे कलर शिफ्ट देखने को मिलता है, एंड काफी ज्यादा ग्रेनी सी फुटेज मुझे देखने को मिलती है। एंड ये जबकि मैं गाइस काफी ज्यादा अच्छे एनवायरमेंट में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ऑफिस में यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, एंड उसके बाद भी अगर ऐसी क्वालिटी कोई फोन से आ रही तो मैं उसके लिए बस यही बोलना चाहूंगा कि जो वाइड एंगल कैमरा वो बिल्कुल ही अनयूजेबल है। अगर आप आउटडोर शूट करें तो डिफरेंट चीज है, बट अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि इसका जो वाइड एंगल कैमरा की क्वालिटी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, 4K तक आप वीडियो यहाँ पे सपोर्ट है, 4K तक आप वीडियो ले सकते हैं 4K में, बट वाइड एंगल कैमरा सपोर्टेड नहीं है, ये भी चीज आप ध्यान में रख लीजिए। अल्ट्रा स्टडी अगर आप शूट करना चाहते हैं तो अल्ट्रा स्टडी भी आपका वाइड एंगल में सपोर्ट नहीं है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बट हाँ, जो वाइड एंगल कैमरा है वो बिल्कुल ही अनयूज
यूजेबल सा है। ये चीज मैं उसके लिए बोलना चाहूंगा कि इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में हो सकता है कभी कभी आपका जो एज डिटेक्शन है वो उतने अच्छे से काम ना करे, बट जो क्वालिटी है गाइज वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड में फोटोज, बट यहाँ पे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज अब मैं आपको इस फोन के कुछ गेमिंग सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने BGMI खेल के, मतलब पबजी जो मोबाइल है वो खेल के इस फोन में मैंने कैसा एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस फोन में 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करेगा इस ग्राफिक सेटिंग की तो पबजी में आपको यहाँ पे जो ग्राफिक सेटिंग है वो स्मूथ में एक्सट्रीम तक देखने को मिलती है, यानी कि आप 60 FPS तक गेम को एंजॉय कर सकते हैं। 90 FPS का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्राफिक्स बढ़ा के खेलना चाहते हैं, तो बैलेंस से HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट तक ही, यानी 40 FPS तक ही आपको जो सेटिंग है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं गेम प्ले कर रहा था, कवर लगा के गेम प्ले कर रहा था, तो यहाँ पे जो थोड़ा फोन था वो होना स्टार्ट हो चुका था 2-3 गेम के बाद में। एंड बट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे 60 FPS मिला है। ऊपर में आप देख सकते जो FPS मीटर है वो फिक्स 60 FPS पे ही फिक्स है, कहीं पे भी मुझे ड्रॉप देखने को नहीं मिला 60 FPS पे। बट हाँ, थोड़ा सा फ्रेम जिटर मुझे देखने को मिला था जब फोन हीट हो जाता है गाइस, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फ्रेम जिटर देखने को मिलता है गेमिंग के बीच में। सो आप इंजॉय करिए यहाँ पे कुछ गेमिंग सैंपल्स को। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं भी लूंगा आपसे एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।